नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों से। आखिर क्यों नहीं पड़ती जनपद सीईओ की पंचायतों में बैठे भ्रष्टाचारियों पर नजर, या कर देते हैं इन्हें नजरअंदाज। पैसा ऐंठने के लिए पंचायत सचिवों के द्वारा प्राइवेट लोगों को दिए हैं पंचायत के आईडी पासवर्ड। आइए पूरे मामले से आपको अवगत करवाते हैं। भिंड जिले के महगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सचिवों को किसी का कोई भय नहीं रहा है। ग्राम पंचायतों में जनता परेशान होती रहती है और जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कोई जानकारी ही नहीं रहती, क्योंकि सचिवों की दबंगई ग्रामीणों पर हावी है। इतना ही नहीं, अगर किसी मीडिया कर्मी को इसकी जानकारी मिलती है और मीडिया कर्मी किसी असहाय गरीब परिवार की आवाज उठाते हैं और जनपद पंचायत सीईओ के मामले की जानकारी देते हैं, तो इससे उन्हें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मीडिया कर्मी बार बार जनपद पंचायत सीईओ के मामले की जानकारी दे, तो सीईओ साहब पत्रकार से ही बोल देते हैं कि शिकायतकर्ता को आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में भेजो और जिस कार्य के लिए हितग्राही भटक रहा था उस पर नियम कानून बताकर हितग्राही को भेज दिया जाता है। ये है जनपद पंचायत महगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की कार्यशैली, जैसे ग्राम पंचायत में उनका कोई कर्मचारी होता ही ना हो। वे प्रत्येक परेशान व्यक्ति या परिवार को कार्यालय में ही बुलाते हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब या तो कार्यालय में जाने वाले लोग बता सकते हैं या कार्यालय में बैठने वाले। इतना ही नहीं, ग्रामीण आवेदन लेकर अगर कार्यालय जाते भी है तो उसे आवेदन ले लिया जाता है और बोल दिया जाता है जाँच कराएंगे और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ग्रामीणों के काम होते रहते हैं और लोग कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। आखिर ये क्या है? लोग इस बात से परेशान रहते हैं, न्याय हो रहा है या अन्याय। वही महगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरहद के निवासी अरविंद शर्मा से ने ग्राम पंचायत सचिव और जनपद पंचायत कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अरविंद ने एक शिकायती पत्र महगांव जनपद सीईओ अतुल सक्सेना को दिया, जिसमें बताया गया कि एक परिवार आईडी में नाम जुड़वाने के लिए पंचायत सचिव और जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, जिन्हें पैसे न देने पर उनको कार्यालय के चक्कर कटवा रहे हैं। जिस पर महगांव सीईओ के द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता के द्वारा मुझे शिकायती पत्र मिल चुका है, इसकी जाँच कार्रवाई करेंगे। मैंने मेरे पास ये आवेदन आया है कि मैंने अपने समक्ष सुरक्षा अधिकारी आशीष अधिकारी को जांच के लिए आवेदन दे दिया है। जांच उपरांत जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर अंतर कार्रवाई है। वैसी जो भी शिकायत हमारे पास आएंगे उनसे जांच कराते हैं, आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मैं अरविंद कुमार शर्मा, निवासी बरहद। अच्छा जी, आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि एक बच्ची का नाम हमारे समग्र आईडी से निकल गया है, तो उस लड़की का नाम जोड़ना चाहते हैं उस समग्र आईडी में। तो मैं सेक्रेटरी साहब के पास गया तो उन्होंने है ना मुझे राइटोर की दुकान बताई, बोले कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ आपका मर्ज कर दी जाएगी बच्ची की। तो वहाँ गए तो वहाँ ₹100 लगे और फिर उन्होंने बोला कि आप है ना राजौरिया जी से मिल लें। तो राजौरिया जी से मिले तो राजौरिया जी है ना हर दो दिन बाद कहते हैं तुम्हारी 100 हो जाएगी, यानी पैसे की मांग कर रहे थे वो ₹200 के करीब। तो हमने मना कर दिया तो बोले कि ठीक है आप दो दिन बाद देख लेना। तो वैसे ऐसे बताया जाता है कि सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, सेक्रेटरी का क्या नाम है? सेक्रेटरी शर्मा जी है जो बहुआ के हैं, उन्होंने बोल दिया है कि मैंने अपने तरीके से जो काम होना था वो कर दिया है, अब जनपद की जिम्मेदारी है आपका काम करने की। तो ये प्राइवेट दुकान पे भेज रहे हैं, मतलब इसमें किसकी जिम्मेदारी है? ये नहीं पूछा आपने? नहीं, ये तो हमने नहीं पूछा।